वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज जो हम एवरेज यानी औसत का जो है 11वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है कंप्लीट करा चुके थे, तो आज जो है हम 101 से स्टार्ट करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 10 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए बच्चों की औसत आयु। तो बस इसको ट्रिक के थ्रू ही बनाना है। एवरेज कितना दिया है वह 14 में कितने बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चे और आ जाए तो 5 से गुना प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब 10 बच्चे हैं, 5 और आए कितना हो गया, 10 प्लस 5 15, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, तो 1 से गुना ये हो जाएगा 70 प्लस 15 यानी 85। अब कह रहा है कि नया आए हुए बच्चों की औसत आयु, नया कितना है 5, तो औसत आयु तो 5 से भाग दे देंगे तो 17 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर इसको सेकंड मेथड से बनाएं, सेकंड मेटल क्या होगा, 10 बच्चों की औसत आयु 14 है तो कुल योग कितना हो जाएगा 140, पहला नंबर ये हो गया। ठीक है, अब कह रहे यदि 5 बच्चे और आ जाए, कितने बच्चे हो गए, 5 आ गए तो 15 आ गए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई यानी 14 से 15 हो गई। ठीक है, अब जो है कितना हो जाएगा, ये 225 यही होगा ना। अब घटाइए इसको, घटाने के बाद कितना आता है, अब घटाएंगे 285 में से 140, 5 8 4 12 85 आया ना, ये दोनों को अगर घटाएंगे 85 और नए कितने बच्चे 5 शामिल हुए तो 5 से भाग देंगे 17 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। नेक्स्ट, 6 प्रश्नों का औसत 12 है, यदि 7वां प्रश्न शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। देखिए पहले एवरेज कितना है 12 है, कितना शामिल कर लिया जाता है 7वां प्रश्न, 1 प्रश्न शामिल किया गया है तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 6 से 7 हो गया ना, 6 प्लस 1 एक प्रश्न बढ़ा, कमी कितने की, 1 की हुई, तो 12 माइनस 6 एक 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। 6 प्रश्नों का कुल योग हो जाएगा 12 6 72। ठीक है, अब 7वां प्रश्न शामिल कर लिया जाए तो 1 की वृद्धि है यानी 7 गुने 13 63 ये होगा, 7 हो गया और ये औसत जो है 1 की कमी हुई यानी 11 हो गया, 11 77। अब दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। नेक्स्ट, एक कस्बा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्षीय नए 5 लड़के कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कक्षा की औसत आयु। देखिए कितने लड़के हैं, 15 लड़कों का कुल जो कितना हो जाएगा 15 गुने 11। ठीक है, अब कह रहा है 9 वर्षीय लड़के कितने हैं, 5, तो 9 गुने 5 टोटल कितने हो गए 15 और 5 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 165 प्लस 45 बट्टा 20 यानी 210 बट्टा 20, 0 0 कट गया यानी 10.5 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये अलग तरीका का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़े, ये काफ़ी तरह से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ट्रिक है कि किसी समूह के एक व्यक्ति बाहर चला जाए या उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो औसत उम्र या वजन या वेतन में वृद्धि होने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है, जाने वाले व्यक्तियों की उम्र या वजन का वेतन प्लस समूह में संख्या गुणे औसत वृद्धि। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में 30 किग्रा भार का छात्र चला गया है तो एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में
बी छात्रों का औसत भार 0.75 किग्रा अधिक हो जाता है तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे जाने वाले व्यक्तियों का वजन कितने है, 30 है ना, हम 30 लिख दिए। फिर कह रहा है समूह में संख्या कितना है, 20 है, 20 छात्र है ना, तो 20 ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है, 0.75, ये लिख दिया हमने 0.75। अब 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, 75 यानी 15, तो हमारा राइट आंसर होगा 45 ठीक है। आई होप कि जो ये आपका ट्रिक जो है बेहद पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं किए तो अभी जो है लाइक कर दें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। हमने देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से उदाहरण को जो इंक्लूड किया है ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। करें 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति का औसत आयु, देखिए जो व्यक्ति बाहर निकला है कितना है, उसकी आयु 20 वर्ष है तो 20 प्लस, अब समूह में कितना है, 8 व्यक्ति है, वृद्धि कितने की हो रही है, 2 वर्ष की, तो 2 से गुना यानी 20 प्लस 8 दूनी 16 कितना हो गया, 36 हमारा राइट आंसर हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट भी इसी तरह का टॉपिक है। करें किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी 18 वर्ष या 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु। अब देखिए हमें क्या करना है, जो आदमी रिप्लेस हुआ है उसको जोड़ देंगे, 18 और 20, यही दो आदमी बाहर निकले हैं ना, 18 20 जोड़ दिए ठीक है। अब टोटल समूह कितने हैं, 11 है, 11 गुने कितने की वृद्धि हो रही है, 2 महीने की वृद्धि हो रही है तो ये महीना में है तो वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा 38 प्लस ये कट जाएगा 6 यानी 11/6। अब आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 228 प्लस 11/6 यानी 239/6। अब देखिए कह रहा है कि नए खिलाड़ियों के औसत, नए खिलाड़ी कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं, इसी का औसत निकालना है तो 2 से आप भाग दे सकते हैं तो ये हो जाएगा 239 और ये एक ऊपर जाएगा तो 6 दिन 12 यानी 239/12 आप इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 19 और ऊपर में 11 और 12 यानी 19/11 यानी 19 वर्ष 11 माह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट जो है वीडियो हम अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप जो है फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक वेबसाइट है जिसमें हम जीके जीएस मैथ का जो है एक ट्रिक अपलोड जो है शेयर करते हैं, उस पर भी एक बार विजिट ज़रूर कर लें।